अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट इंग्लिश वोकैबुलरी के साथ जो है मैं हाजिर हूँ। हम एट को पढ़ें। एट कहते हैं पर को। ही इज एट द रेलवे स्टेशन। एट कहते हैं किसी प्लेस के लिए, लोकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये प्रपोजिशन। एज जैसा कि, जैसे कि हम जानते हैं ऐसे कहते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। एट वंस अचानक को, यानी कि अचानक से कोई किसी चीज का होना या अचानक से कोई चीज आ जाती है, यकदम से, अचानक से। एट वंस जैसे इस्तेमाल, फौरन ही, अचानक ये ऐसा हो गया। एट फर्स्ट शुरू में, एट फर्स्ट शुरू में, यानी कि कोई चीज शुरू शुरू में भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं या होती है। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, इनका मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। आफ्टर, आफ्टर कहते हैं बाद में या आखिर, यानी कि आखिर में क्या होगा या इसके बाद। ऑलरेडी पहले से, ऑलरेडी पहले से, जैसे हम कहते हैं कि आपको पहले से ही पता है इस चीज का, यानी ऑलरेडी आपको इस बात का पता है या आप इस चीज को जानते हैं। अलॉन्ग विद, अलॉन्ग विद कहते हैं साथ साथ, यानी कि किसी चीज के साथ, किसी चीज का होना, मुंसलिक होना, जुड़े होना। अलॉन्ग विद। अगेन कहते हैं दोबारा को, कि दोबारा से आप हमें ज्वाइन कर लो, या अगेन आ जाओ, या ये अगेन करके दिखाओ, दोबारा करके दिखाओ। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।